सर, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से मैं बेगूसराय जिला है बिहार में, वहीं का बिहट गांव है, अपनगर परिषद हो गया, वहीं का रहने वाला हूँ। ओके, आपकी जो स्कूलिंग हुई वो कहाँ? मेरे फादर भी इंजीनियर रहे हैं, मैं भी इंजीनियर, मैंने भी इंजीनियरिंग की थी जी, और पिताजी इंडियन ऑयल में जॉब किया करते थे, अब रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती गई वहाँ वहाँ मेरी पढ़ाई भी हुई। पढ़ाई उस तरह पहली जब शुरुआत हुई थी तो गुवाहाटी से हुई थी, गुवाहाटी रिफाइनरी में थे, फिर बरौनी रिफाइनरी आए, वहाँ से भोपाल गए, भोपाल में नाइन्थ में था, टेंथ के बाद फिर दिल्ली आ गए। मतलब ये काफ़ी अलग अलग जगह, तो मतलब मैंने 7 विद्यालयों में अध्ययन किया था, क्लास टेंथ तक, ट्वेल्थ तक। ओके, तो छात्र जीवन के बारे में, जब आप क्लास टेंथ और उस समय जो आमतौर पे जो युवा होते हैं आज के डेट में, जो जब टेंथ का रिजल्ट आता है तो उस समय उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं और उम्र कम होने की वजह से उनको लगता है कि अंक कम आ गया तो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो आप भी जब टेंथ क्लास में थे, आपकी उम्र भी उस समय 14-15 साल होगी लगभग, तो आपके मन में उस रिजल्ट को लेकर के क्या सस्पेंस था या फिर क्या आप सोचते थे उस समय? टेंथ की तैयारी तो लगभग क्लास 5 के बाद से ही बच्चा जो है ना उसके मन में आ जाता है कि बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है, तो वो मेरे मन में भी था और इनफैक्ट हर साल उस तरह से एक तैयारी उस सोच के साथ चल रही थी कि टेंथ, उस समय लगता था जीवन का सबसे बड़ा इवेंट वही होने वाला है जी। और पूरी तैयारी टेंथ में जब आया तो उस समय अचानक स्कूल भी चेंज हुआ। अच्छा। मैंने आपको बताया बहुत सारे स्कूल्स चेंज होते रहते थे, तो हर स्कूल में जब भी जाता तो कुछ ना कुछ दोस्त नए बनाने पड़ते, टीचर्स बिल्कुल नए थे, शैली अलग होती पढ़ाने की, लोगों की एक सांस्कृतिक कार्य संस्कृति जिसको कहते हैं वो भी अलग होती, अलग अलग राज्यों में था। तो टेंथ में उस समय केंद्रीय विद्यालय नोएडा में था। अच्छा। तो शुरू में गर्मी छुट्टी में जो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, मुझे लगता है ट्रांसफर और इस उधेड़बुन में ठीक से हुई नहीं, पिताजी का ट्रांसफर हुआ और पहुँचे, लेकिन एक बार जब पढ़ाई शुरू हो गई तो फिर मैंने पीछे देखा नहीं। तो मैंने बहुत मेहनत की थी और उसी के अनुसार रिजल्ट्स भी आए, बहुत अच्छे नंबर आए, और उसके बाद फिर ट्वेल्थ में उससे भी बहुत अच्छे स्कूल में दिल्ली के सरदार पटेल में मैंने एडमिशन लिया था, वहीं से फिर मैंने ट्वेल्थ किया था। तो बेसिक तौर पे वहाँ पे एक जगह रुकना चाहिए कि मतलब जो टेंथ या ट्वेल्थ के जो रिजल्ट्स आते हैं, जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं तो उनको उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है या फिर? देखिए, कोई भी टेंथ या ट्वेल्थ का रिजल्ट तो छोटी बात हो गई जी, जिंदगी में आप कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं उसमें अच्छा करना जी तो परिश्रम करेंगे तो रिजल्ट निश्चित अच्छा आएगा। अच्छा है, हो सकता है कि जितना आप चाहते हो उसके आसपास नहीं आए, नहीं है, लेकिन वो अंतिम परीक्षा नहीं होगी, हो सकता है अगले परीक्षा में उससे और अच्छा करें आप, उससे अच्छा कर सकते। तो टेंथ में मैं भी जब कर रहा था तो मेरे मन में उम्मीद थी कि 90% में पार करूंगा। ओके। लेकिन वैसा हुआ नहीं, 86% पर रह गए थे, तो उस समय बड़ा कचोटा था। हाँ। मैंने 2 पेपर्स पर रीचेकिंग भी करवाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा अच्छा, था 4% के लिए, 4% के लिए रीचेकिंग होने के बाद भी नंबर यथावत रहे, तो फिर मैंने कहा चलो इसमें नहीं सोचना, आगे अगले परीक्षा की तैयारी, अगली परीक्षा की तैयारी। तो एक ट्वेल्थ के बाद फिर जो आपने कठिन परीक्षा IIT की तैयारी के लिए आप लग गए, तो उस दौरान मतलब जो आपने IIT की तैयारी की और IIT फिर आप पास आउट भी होते हैं, तो IIT आपने कहाँ से की एक्चुअली? देखिए, मैं था बड़ा जिद्दी पढ़ने में, टेंथ में वैसे ही था, टेंथ में जो चाहता तो मिला नहीं, 90% चाह रहा था, 86 पे रह गए। इसके बाद ट्वेल्थ में जिद थी, IIT निकलेंगे तो निकलेंगे ट्वेल्थ करने के साथ ही निकलेंगे। अच्छा। तो बहुत लोग हैं ना जो ट्वेल्थ करने के बाद एक साल देते हैं, पढ़ते हैं। हाँ। मेरी जिद बड़ी क्लियर थी कि निकलेंगे तो साथ में ही निकलेंगे। ओ। तो 11th 12th भी पूरा संघर्ष चल रहा था उस समय, नोएडा में पिताजी थे, दिल्ली में स्कूल था, आने जाने में भी काफ़ी परिश्रम करना पड़ता था, बसेस चेंज करनी पड़ती थी, फिर स्कूल बस लेता था, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय था कि बिल्कुल करना है और उसके लिए पूरा परिश्रम कर रहा था। कोचिंग मैंने नहीं की थी, किसी क्लासरूम कोचिंग। अच्छा, कोई कोचिंग नहीं की थी मैंने, उसमें एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स आया करता था। अच्छा। ब्रिलियंट्स का, तो उसको मैंने वही घर में बैठ के पढ़ता था और जिद बनी हुई थी, उसमें बहुत सारी घड़ियाँ ऐसी आई उस समय। तो ट्वेल्थ के बाद ही मेरा जस्ट ट्वेल्थ का एग्ज़ाम आया और IIT का एग्ज़ाम आया साथ ही में, 97 में IIT आया था। वो जो पूरा पीरियड था वो बड़े उथल पुथल वाला पीरियड था, जो टेंथ में मैंने गलती की कि समर वेकेशंस में उथल पुथल रहा। अच्छा। तो ट्वेल्थ में भी लगभग स्कूल फिर बदलना था, कुछ कुछ था, तो वो जिस तरह से पढ़ाई, बाकी लोगों ने कोचिंग में एडमिशन ले लिया। हाँ। मैंने वो सब किया नहीं, फिर मैंने 2 महीने गंवा दिए। अच्छा। लेकिन तब मन में इच्छा बहुत दृढ़ थी करना है। मैं आपको बताऊँ, टेंथ में बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन पहली बार जब मैं नए स्कूल में गया तो मुझे IIT की परीक्षा देनी थी। हाँ। लेकिन जो पहला मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है, फर्स्ट टर्म जिसको कहते हैं, उसमें फिजिक्स में फेल हो गया था। अच्छा। आप सोचिए, जिसको 97 में एग्जाम देना हो IIT का, और 95 में वो फिजिक्स में फेल हो जा रहा हो, तो क्या बीतती होगी? बिल्कुल। हार नहीं मानेंगे, ये था कि भाई ठीक है, कोई फिर से तैयारी करेंगे, जो कमी है उसको समझो अच्छे से, समय जो भी होगा उसमें और ज़्यादा समय देंगे। कई बार याद है कि 16-16 घंटे भी पढ़ना पड़ गया था ऐसे। अच्छा। ऐसे स्पेशली छुट्टी के दिन। हाँ, क्योंकि एक कमजोरी दिख रही थी, जिद थी कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको समझ के ही रहूँगा,
यदि जिसने किताब लिखी वो किताब लिख सकता है तो मुझ में क्या कमी है, मैं उसको समझ नहीं सकता हूँ। क्या बात है। ये इस जिद को लेकर पढ़ाई चलती थी और कुछ कॉन्सेप्ट शुरू में जिसको समझने में 12 घंटे लगे, 2-2 दिन लगे, जब पढ़ने का तरीका आ गया तो फिर बाद में उस तरह की चीज़ें बिल्कुल जब पढ़ता तुरंत ग्रास्प कर लेता। Okay. तो अपने आप में बहुत कुछ सीखता चला गया उस पीरियड में। IIT के दौरान कुछ चीज़ें, क्योंकि वहाँ जाने के बाद एक मेंटल जो थिंकिंग होता है वो बड़ा हो जाता है, विदेशों में जाएंगे, बड़ी कंपनी में नौकरी करेंगे, ये सब जो चलने लगा, तो उस समय आमतौर पे क्या होता है, कुछ लोग उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और कुछ लोग उस दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनका रिजल्ट तक भी असर पड़ जाता है उसका, तो आपके साथ कैसा रहा ये? IIT उस समय का बिल्कुल ही अलग था, मतलब टोटल इंडिया में ऑल ओवर इंडिया 6 IITs थे जी। और उसमें 2000 सीट्स थी। हाँ। बहुत कम ही लोग IIT उस समय जा पाते थे। आजकल तो बहुत सारे IITs भी हो गई हैं हर राज्य में, उस समय ऐसा नहीं था। और उसमें जो भी आदमी उस समय IIT जाता था तो बड़ा ही एम्बिशियस होता था, अपने जिले का तो समझिए टॉपर ही रहा होगा, या अपने इलाके में उसको लोग जानते थे बहुत तेज है, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्टिफ था, सीट्स बहुत कम थी उस समय, 2000 सीट्स थी, आज तो लगभग 20,000 के करीब सीट है, और मात्र 2000 उस समय थी, और कंपटीशन उसी स्तर का था, बिल्कुल एकदम लड़ाई चलती थी उस समय। एक IIT का मतलब कि एक बहुत बड़ा मतलब ये होता था, जीवन में कर लिया उस तरह का एक मैसेज जाता था। तो हर व्यक्ति जो आता था उसके मन में कुछ ना कुछ एम्बिशन बहुत बड़ा रहता था, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। उस हर व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष थी, जीवन में किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई करके वो भी IIT आए, तो साथ में जब लोगों को देखता तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, और साथ में यह भी देखता है कि जो लोग हैं, कुछ लोग बिल्कुल तय थे कि विदेश जाएंगे, अधिकांश लोग ऐसे ही थे, कुछ लोगों का था कि MBA करेंगे, इंडिया में ही रहेंगे। मैं जब उस समय मन में सोचता तो शुरू में निश्चित है जो दूसरे लोग होंगे उनकी बातों का असर आप पर भी पड़ सकता है, बिल्कुल, तो मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छा करूं, विदेश चला जाऊं, नौकरियां भी लगी। लेकिन उस समय जब बिहार को मैं देखता था तो बिहार की विधि व्यवस्था की समस्या थी, जिस IIT में घुसे थे तो परीक्षा पेपर लीक हुई थी, और पेपर लीक का केंद्र बिहार था, पिताजी उस समय बुरौनी रिफाइनरी में थे, बुरौनी रिफाइनरी में थे, और मुझे छुट्टियों माना वर्जित था, अच्छा, कि पकड़ के शादी हो होती है, तो इन चीज़ों को जब देखता तो मुझे लगता कि ठीक है विदेश तो चला जाऊंगा, कहीं भी रहूंगा, आराम से रहूंगा, लेकिन लौट के आऊंगा तो खुद को क्या जवाब दूंगा, मैंने क्या किया इस पूरे समाज में आना है, उसी माहौल में आना है, कभी ना कभी तो आएंगे आएंगे फिर वही चीज़ देखेगी, तो उस जीवन रूपी यात्रा में आपने क्या किया, अगर कोई आंशिक योगदान भी ना कर सके तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। उस चीज़ ने इतिहास को जब देखता बिहार के, उस समय को देखता जब तकनीक नहीं थे तब बिहार इतना विकसित था, उस प्राचीन काल में जब प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, यहाँ से शासन चलता था, अभी बामियान पार अफगानिस्तान तक चलता था। फिर उत्तर तक चलता था, दक्षिण तक चलता था, तो ऐसे यशस्वी हमारे पूर्वज थे, और ज्ञान की भूमि थी, वेदांत यहीं लिखा गया, निषदों की भूमि रही, बौद्ध धर्म जैन धर्म क्या दर्शन है, विश्वविद्यालय स्थापित हुए नालंदा विक्रमशिला, उसके बच्चों को जब देखता आज लोग चोरी कर रहे हैं परीक्षा पास करने के लिए, शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, नौकरी भी चाहिए तो पैरवी से चाहिए, किसी तरह सेट हो जाए, अरे भाई जिसमें सामर्थ्य थी पूरे इतने बड़े अखंड भारत पर साम्राज्य चलाने की, उनके तो वंशज हो, कहाँ छोटी सोच पढ़ते हो, क्या बात है, लघुवादों से ऊपर उठो, छोटे छोटे सोच, जातिवाद, क्षेत्रवाद, अलग अलग तरह के वाद, संप्रदायवाद, इनसे निकलो, सोच व्यापक करो, क्षमता तुम्हारे अंदर है, काम करना शुरू करो, देखो भविष्य बदल जाएगा। बड़ी अच्छी बात कही सर आपने कि जहाँ पे जहाँ से शिक्षा पूरे देश को या फिर जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था पूरे कई देशों में, और वहाँ के बच्चे अगर चोरी करने के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो हम कहाँ आ गए हैं, ये सोचना ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो इस दौरान जब ये चीज़ें आपको अंदर से कचोट रही थी और फिर दूसरी तरफ आप IIT कर रहे थे जहाँ पे आपके सामने बड़ा भविष्य था, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, विदेश था, सब कुछ था, उस दौरान फिर ये अचानक से फिर IPS दिमाग में आया या पहले से चल रहा था? पहले से तो बिहार में जो भी आता है उसको लगता है ना कि सिविल सर्विस बहुत अच्छी नौकरी है जी, नहीं जब IIT गया तो जब लोगों से बातें करता सुनता तो कोई GRE की तैयारी कर रहा है, यहाँ से रिसर्च करूँगा, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं चीज़ें। और निश्चित रूप से अगर लाइफस्टाइल आप देखेंगे, मैं तो आज पटना में रहता हूँ, बहुत सारे लोग बड़े बड़े जो शहर आप नाम सुनते हैं वहाँ रहते हैं, बहुत अलग लाइफस्टाइल है, वो मैं कर सकता था, लेकिन जब बिहार को देखता तो अंदर से एक दायित्व बोध लगता था, विशेष रूप से अपने क्षेत्र को देखकर कुछ करना चाहिए, और ये संवाद कहीं ना कहीं इतिहास से प्रेरित था, इतिहास को देखता बहुत अच्छा लगता था, और ये प्रेरणा जगती थी कि मुझे भी कुछ आंशिक ही सही करना है। उसी सोच ने मुझे एक इंजीनियर से पुलिस पदाधिकारी बना दिया। तो ये जो विचार थे, जैसा कि मुझे जानकारी है कि जब आप UPSC के बारे में सोच रहे थे तो आपके पिताजी इससे शायद नाराज़ थे, उनको उनकी इच्छा थी कि आप IIT में ही आगे करें, तो उस चीज़ों को आपने कैसे फिर उनको समझाया? पिताजी इंडियन ऑयल में नौकरी करते थे, इंडियन ऑयल भी कॉर्पोरेट है लेकिन सरकारी अर्ध सरकारी टाइप की कंपनी कह सकते हैं,
तो उसमें बहुत तरह की राजनीति होती है, जिससे पिताजी कहते थे कि हाँ यूनियनबाजी है, या जिसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, नहीं मिलता है ना, जो टैलेंट की पूछ होनी चाहिए। तो पिताजी बड़े उस समय वो रहते थे कि मतलब प्रसन्न नहीं रहते थे सरकारी सिस्टम से। तो उनका कहना था कि सिस्टम से बिल्कुल दूर चले जाओ, वो वाइट मनी कमाओ, मस्त रहो, मतलब लाइफ को जीना है, लाइफ को जीना अच्छे से। मुझे भी लगता था पिताजी बोल तो सही रहे हैं, लेकिन बचपन से थोड़ी जिद्दी आदत थी, सब लोग ऐसा सोच कर चलने लगे तो फिर तो बदलेगा कैसे होगा। तो परिवर्तन के लिए किसी को तो आगे आना होगा। चलो ठीक है, अपना जीवन इसी में गया, लेकिन कुछ भी अगर बदल सका तो जीवन सार्थक है। सार्थक। तो आपने मतलब दूसरे ही अटैम्प में जो है आपने यूपीएससी क्लियर किया, तो जब ये रिजल्ट्स आ रहे थे आपके, या फिर क्योंकि उसकी तैयारी भी काफ़ी कठिन होती है, जो छात्र आज उसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं उसकी पीड़ा क्या होती है, उसके लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो उस दौरान, क्योंकि ठीक है आपका बैकग्राउंड उतना स्टेबल था कि बहुत स्ट्रगल शायद फाइनेंशियल नहीं करना पड़ा हो, लेकिन एजुकेशन के दौरान जो दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं, या होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ निश्चित है आपके पास और एक अनिश्चितता के दौर में आप जा रहे हैं, तो उस बीच के सस्पिशन को कैसे आपने दूर किया, अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? अलग फेज था, जैसे आपको मैंने बताया पिताजी तो शुरू से नहीं चाहते थे किधर आए जी। उस समय आईआईटी में था, दो नौकरियां लगी। अच्छा। इंफोसिस में लगी, एक जर्मनी की मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें लगी। और पिताजी बोले इतनी अच्छी अच्छी नौकरी छोड़कर बैठ गया बिल्कुल जाके दिल्ली में एक कमरे में पढ़ाई मतलब कर, एक ताना भी शुरू हो गया। उनको अजीब लगता था, पहली बार जब हुआ नहीं तो तुमको और खराब लगे, देखो इतना अच्छा मतलब करियर होता और ये क्या कर रहा है। उस समय मैंने कहा चलो पूरी लगन करके, जिद्दी तब भी था कि पहले अटेम्प्ट में ही निकलेंगे, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था तो नहीं निकल पाए। उस समय एक बार को इच्छा हुई कि छोड़ दें अब चलो, लेकिन फिर लगा इतनी मेहनत जब की है, तब दिनकर की कविता जो मैंने हाल में सबसे साझा की थी, तो उसमें दिनकर की जो कविता है ना, उसने फिर बहुत एक एक शब्द ने प्रेरित किया कि भाई आगे बढ़ना है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो उसने एक एक पंक्ति उसमें जब लगा चलो एक तो पूरी इतनी परिश्रम कर ली और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, इस शब्द ने बिल्कुल इतना प्रेरित किया कि एक बार और देंगे। और तब मैंने दोबारा परीक्षा दी, और घर में जो दबाव था कि एक अलग स्पष्ट दबाव नहीं था, अस्पष्ट रूप का था, डायरेक्ट रूप में अब नौकरी छोड़ दी हो, अब बैठे हो आईआईटी करके, उस समय नौकरी बहुत बड़ी चीज होती थी। एनटीपीसी में मैंने कहा चलो एक और परीक्षा दे देते हैं, ताकि परीक्षा के बाद फिर नौकरी ज्वाइन कर लेंगे तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, 2002 में मैंने परीक्षा दी। अच्छा। और देते ही एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। तो एनटीपीसी मैंने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद एनटीपीसी में करीब 7 महीने रहा, उसी बीच में इंटरव्यू भी देने आया था, वो सिलेक्शन हो गया, तो फिर आज वर्दी पहन के बैठा हूँ। तो इस चीज़ की तो खैर खुशी जो है, या जो उसका एक दौर रहा वो आज तक अब जारी है और आगे भी जारी रहेगा, लेकिन जब आप इन चीज़ों से बाहर आए, या फिर जो आपने अचीवमेंट ले ली, तो क्या उसके पीछे एक कारण माना जाए कि आपका जिद्दीपन होना बहुत कारगर रहा? इसको जिद कह लीजिए या दृढ़ निश्चय कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, बहुत आवश्यक है। जैसे मैं हमेशा जब युवाओं से बात करता हूँ तो 3 D's की बात करता हूँ। किसी भी चीज़ में लक्ष्य को यदि आपको प्राप्त करना हो तो 3 D's बहुत ज़रूरी हैं क्रमबद्ध तरीके से। पहले डिज़ायर, इच्छा होनी चाहिए जी। सेकेंड इज डेडिकेशन, उसके लिए पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आपको योगदान, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन सफल आप तभी होते हैं जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, जिसको आप जिद कह सकते हैं, दृढ़ निश्चय कह सकते हैं, इच्छा शक्ति कह सकते हैं। हाँ, तय कर लेना है कि आपने चाहता हर आदमी करना, लेकिन जब थोड़ा आगे चलता है तो उसको लगता नहीं हो सकता, छोड़ देता है। जीतता वही है जो उस जिद के साथ बना रहता है और हर चीज़ को झेलता हुआ सफल होता है। सफल होता है। और ये बात आज की नहीं है, भारतीय संस्कृति में उपनिषदों में कही गई, भर्तृहरि की नीति शतक में लिखा गया, उस पर गाना भी हम लोग विद्यालय में सुना करते थे, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से पढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। अरे वाह। तो 3 तरह के लोग हैं, किस कैटेगरी में आप सोच लीजिए, अपने आप को तय करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो जो दृढ़ होगा निश्चित विजयी होगा। विजयी होगा। तो एक दौर शुरू हो गया जब आप आ गए, फिर ट्रेनिंग हुई होगी, ट्रेनिंग के दौरान फिर आप आगे बढ़े, फिर आपकी नौकरी, जब आप पहली बार जब आप किसी मतलब जिले में गए,
तो उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा था और किस तरह के दबाव, क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ यूपीएससी क्लियर कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एक अलग संघर्ष है, लेकिन असली संघर्ष जब आप कर्म के पथ पे आगे बढ़ते हैं तो उस दौरान जो चीज़ें आती हैं, तो उस समय जो बिहार था तो उसको कैसे आप फेस कर रहे थे, किस तरह के दबाव और प्रेशर आपके ऊपर? मैंने जब बिहार में योगदान दिया था तो मेरा तो अनुभव बड़ा ही खराब रहा था। पहले दिन ही जब मैंने भागलपुर ज्वाइन किया था, अगले दिन फील्ड का पहला दिन था, मुंगेर में घटना घटी जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शहीद हो गए थे। अच्छा। तो भागलपुर से वहाँ जाना पड़ा, देखो पूरे दिन वहीं रहे, रात तक वहीं रहे, बहुत चीज़ों को मैं नज़दीक से देखा, सिस्टम किस प्रकार से काम कर रही है, क्या खतरे हैं, अनुशासन का स्तर क्या है, बहुत चीज़ों को बहुत माइन्यूटली मैंने ऑब्जर्व किया और उस चीज़ ने बहुत गहरी छाप छोड़ी। बहुत दृढ़ इच्छा के साथ आया था कि बिहार में कुछ ऐसा करना है जिससे परिवर्तन में मेरा योगदान होगा। सिस्टम को जब देखता तो देखता कि बड़ा अजीब सा सिस्टम है जिसमें डिलीवरी नहीं हो रही। अकेले मतलब उसको, और अकेले तो नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत अच्छे से समझ के नेतृत्व के साथ आपको जनता को जोड़ के कुछ करना होगा। तो ट्रेनिंग पीरियड मैंने भागलपुर में बहुत कुछ सीखा, बहुत जमीनी स्तर पर थाना में सब सिपाहियों से हमेशा बात होती थी कैसे रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि लीडरशिप वही है कि जो चीज़ें हैं उसमें रिजल्ट डिलीवर करना। आप चाहेंगे तो कोसते रहेंगे सिस्टम को, उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, किसी का कोई फायदा नहीं होना। तो जो सिस्टम है, जो लोग टीम है, जो सिस्टम टीम है, उससे बेस्ट आप क्या दे सकते हैं, अगर इस पर आप सोचेंगे निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेंगे। और शायद मुझे लगता है कि यूपीएससी जो बिल्कुल यही प्रयास, जहाँ भी रहा जो टीम मिली, मैंने ये नहीं कहा कोई डीएसपी खराब है, कोई थानेदार, उसमें जो हो सकता है बेस्ट कर सकते हैं, उसको रोटेट करना हो, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए और लोगों को लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, आप जैसे जो करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं उसमें दोनों अंतर होगा, तो आप जो कहते हैं वही आप खुद भी करें। और लीडरशिप आपको खुद, अगर आप कह रहे हैं किसी को भाई आप जाके माओवादी से लड़ो और खुद आप बैठ के ऑफिस में बैठे रहोगे तो कोई होगा नहीं। आप खुद प्रेरित करोगे सबसे सामने फ्रंट में मैं ही रहूँगा, तो देखो आप चीज़ें बदलेंगे। और वही काम लगभग जहाँ भी बघा में रहा हूँ, रोहतास में रहा, तो सारे ऑपरेशन में प्रयास करता था जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन हो खुद उसमें रहूँ और बहुत माइन्यूटली चीज़ों को देखूँ, प्लान करूँ, उससे प्रेरणा मिलती है। और जब लोग प्रेरित होंगे तो निश्चित रूप से वही टीम नया रिजल्ट देगी। मिला तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो एक तेज तरह आईपीएस ऑफिसर के तौर पे लोग आप जो आज आपको जानते हैं, तो इन बातों को जानते हैं कि जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप थे उस समय क्या क्या चीज़ें आपने किस तरीके से लीड किया और उसका सिस्टम पे जितना भी असर हो सका वो आपने किया। अब थोड़ा सा हम आज के युवा परिवेश में आते हैं और छात्र जीवन में आते हैं, और आपका तो आपका जो छात्र जीवन का जो दौर था जिस समय सोशल मीडिया नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, मतलब दिग्भ्रमित होने का मतलब कोई एक्स्ट्रा माध्यम नहीं था अगर बुक्स को छोड़ दे तो, और आज बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने छात्र जीवन में और आज के छात्र जीवन जो छात्र हैं उसमें क्या अंतर पाते हैं? देखिए अब ये मैं नहीं कहूँगा दिग्भ्रमित करने की चीज़ें नहीं थी। अच्छा। सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन दिग्भ्रमित जो होना चाहेगा उसको कौन रोक सकता है? दिग्भ्रमित करने को तब भी लोग खेलने दिन भर मैदान में घूमते थे, कोई लड़कियों के पीछे भागता था, कोई कुछ करता था। तो माध्यम बदल सकते हैं, स्रोत बदल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिग्भ्रमित होना चाहेगा उसको कोई नहीं बदल सकता। यदि आप स्थिर कर लें मन को कि लक्ष्य ये है, लक्ष्य की तरफ जाना है, फिर आपको कोई दिग्भ्रमित नहीं करता। तो जो भी मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रही चीज़ें, उसके दो प्रयोग हो सकते हैं, सकारात्मक प्रयोग भी आप कर सकते हैं और आप चाहें तो भटक सकते हैं। तो निर्णय तो आपको लेना है ना, भाई क्या करना चाहते हैं। तो सही निर्णय यदि आप लेंगे तो भटकेंगे नहीं, और सोशल मीडिया भी या अन्य मीडिया जो उपलब्ध है उसका भी आप सकारात्मक प्रयोग अपने वृद्धि के लिए, समाज की वृद्धि में करें, ले सकते हैं। आज का जो युवा है वो एक तरह से, ये सवाल थोड़ा सा मतलब ये होगा लेकिन ज़रूरी मुझे लगता है युवाओं के हिसाब से, कि आज का जो युवा है वो प्रेम समर्पित ज़्यादा हो गया है, उसको लगता है कि पहले प्रेम और फिर कैरियर, और उसमें उनका जो हमें लगता है कि जो क्रीम टाइम होता है वो चला जाता है। तो ऐसे ही प्रेम का मैं विरोधी नहीं हूँ, जैसे मेरे जीवन में कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं, वो तो बड़े पढ़ाकू थे, लेकिन प्रायोरिटी समझनी होगी, अब जीवन का लक्ष्य क्या है। और समय हर चीज़ का है, तो किस समय क्या करना है इसको अगर आप तय कर लेंगे तो जीवन का जो आपका लक्ष्य है, अगर आपकी लक्ष्य वही है कि प्रेम संबंध स्थापित करना, करिए, किसने रोका है? अगर वही लक्ष्य है, वही लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है इसको तय कर लो। जिस मैं अपने जीवन को देखता था तो मुझे था कि जीवन में संतुष्टि प्राप्त करनी है, और संतुष्टि तब प्राप्त होगी जब आप संतुष्ट होंगे, अच्छा किया आपने। और जो गीत मुझे प्रेरित करता था, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले। तो इस प्रकार की सोच लेके आप चलोगे, और लक्ष्य एक एक लक्ष्य, पहले IIT था, फिर UPSC हुई, उसके बाद हुआ पुलिस में अच्छा काम करना है,
तो लक्ष्य आपका स्पष्ट होगा तो उसमें पूरा परिश्रम करोगे, यत्न करोगे, करोगे। हाँ, तो चाहे वो परिश्रम जिधर हो, जिधर हो। हाँ। जो बात कर रहे हैं कि लोग प्रेम लक्ष्य अच्छा है तो भाई करिए, कहाँ दिक्कत, उसी को कीजिए कीजिए। एक शॉर्टकट सा आ गया है युवाओं में, जैसे पहले जो था एक किसी चीज़ का एक निश्चित होता है कि भाई इतना टाइम लगेगा इन चीज़ों में, और आज का युवा चाहता है कि बहुत जल्दी, जैसे कि टेलीफोन की तरह मोबाइल की तरह सोचता है कि भाई बस बटन दबाए और एक कॉल लगा और कहीं भी बात कर लिए, तो कैरियर को भी सफलता को भी वो उसी तरीके से सोच रहा है, तो क्या ये सही में इतना आसान हो गया है क्या? कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर। हाँ। समय आए तरवर फले के तक सिंचो नीर। क्या किसी भी चीज़ में परिश्रम लगेगा, समय लगेगा, धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। यदि धैर्य नहीं हो तो फिर वही बात, सब कुछ करके आप टूट जाएंगे, और शायद धैर्य नहीं होता है तभी भटकाव ज़्यादा होता है, भटकेंगे आप, कुछ आपने शुरू किया आपकी मन भटकने लगा, आप भटक गए, तो धैर्य चाहिए, कोई चीज़ आसानी से नहीं हुई। मैंने आपको बताया 12th में था तो पहली बार फिजिक्स में फेल हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ता रहा, संघर्ष करता रहा, मानसिक द्वंद्वों में घिरता रहा, लेकिन मैंने कहा कि करना है, हुआ पहली बार 12th के साथ ही हुआ, और गजब हुआ, बढ़िया रहा। आज के जो भी युवा हैं उसमें पेरेंट्स से कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। आज के युवा ये सोचते हैं कि हमारे जो गार्जियन है वो हमसे बहुत कम जानते हैं और हम जो कह रहे हैं वही बेस्ट है, और वो जो कह रहे हैं वो उससे मतलब आज के माहौल से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसमें पेरेंट्स का कौन सा एक्सपीरियंस जो लगना चाहिए लोगों को कि नहीं वो जरूरी है, पेरेंट्स के गाइडेंस के लिए? जो बात आप कह रहे हैं आज के युवा की नहीं है जी, हर युग में इसको जनरेशन गैप कहा जाता है। हाँ। कि जो भी युवा होता है उसको ऐसा लगता है, और जिसको भी ऐसा लगता है उस भ्रम को उसको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है तो उस पल को याद कीजिए जब आपको चलना भी नहीं आता था। किसने आपको चलना सिखाया था? जब आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते थे किसने आपको अल्फ़ाबेट्स बताए थे? भ्रम नहीं, जो बड़े हैं तो बड़े ही हैं, तो उनका मार्गदर्शन हमेशा लेते रहें। और साथ में कहना ये चाहूँगा कि हर चीज़ को अगर आप उस तरह से देखेंगे कि आप बिल्कुल इस दुनिया में सीखने के लिए आए हो, और आपका जो लक्ष्य है उसको तय कर लो, सीखते चलो, मोटिवेट होते जाओ, जो जहाँ से मिलता जाए, जैसे ऋग्वेद में कहा गया आनो भद्रा क्रतु यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। जहाँ से भी अच्छे विचार आए आपके मन में उसको ग्रहण कीजिए, लेने चाहिए, और सबसे बड़े विचार, अच्छे विचार तो निश्चित रूप से अपने पेरेंट्स आएंगे। बिल्कुल, तो उसको निश्चित रूप से उनकी भावनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे। मतलब पेरेंट्स से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत में तो कहा भी गया ना, अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रदोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अगर बड़े बुजुर्गों का अभिवादन करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अरे वो तो अपने आप पूरा संदेश इसमें समाहित। इस एजुकेशन के दौर में ये माना जा रहा है कि जो शिक्षक हैं तो उनका रिस्पेक्ट कम हुआ है आज के, जैसे एक पहले जो हम लोग सिखों को शिक्षक से मिलते थे तो पैर छू के प्रणाम करते थे, और आज एक दौर आया है जो घुटने तक आ गया है, जो कभी कभी लगता है कि ये यहाँ तक भी आ जाता है, तो इस गैप मतलब स्टूडेंट इसमें क्या अपने आप को समझ रहे हैं, स्टूडेंट के लिए क्या ये जरूरी है, रेस्पेक्ट कितना ज़रूरी है अपने शिक्षक तो का? निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है, लेकिन यदि शिक्षक का सम्मान कम हो रहा है तो इसमें शिक्षक को भी सोचना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। हो सकता है जो शिक्षक बने हों शॉर्टकट्स लेके बने हों, जब जिसमें विद्या नहीं होगी तो सम्मान कैसे होगा? तो विद्या जहाँ होगी तो सम्मान अपने आप, उसमें कहा गया है ना, संस्कृत में कहावत है, वे राजा का सम्मान तो अपने देश में होता है, लेकिन विद्वान जो है सर्वत्र पूज्यते है, तो उसकी जो विद्वान है उसकी पूजा सर्वत्र, शिक्षक यदि विद्वान होगा तो सवाल ही नहीं है कि सम्मान नहीं है, शिक्षक को भी सोचना होगा, और साथ में शिक्षक को अपने दायित्व को अच्छे से समाज के हित में योगदान देना चाहिए, और शिक्षक यदि सही होगा, माता पिता का मार्गदर्शन सही होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करें। जो व्यवस्था चल रही है उस पर सोचना होगा इसको कैसे सुधारा जाए, शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, लेकिन शिक्षक को सम्मान प्राप्त करने के लिए उसके अनुकूल विद्या अर्जन भी करना चाहिए, विद्वान होना चाहिए।